I can award myself. Shantanu Nikhil ne outfit design kiya hai. It's inspired by a sari and it's absolutely beautiful. Well, I am really looking forward to tonight because I am on the jury. It's been an incredible experience working with the jury members on identifying the talent, both in the technical side and also the performers. This past year has been phenomenal for films that are below 25 crores. क्योंकि ये फिल्में जब बनती थी पहले तो उनकी ऑडियंस छोटी हुआ करती थी और पहली बार इतनी तादाद में इतनी सारी फिल्में जो छोटी बजट की बनी हैं इतना बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने धूम मचाया तो वही फिल्म आज यहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं और जैसे कि हम जानते हैं रील अवार्ड्स इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग कंटेंट ड्रिवन सिनेमा जो फिल्में 25 करोड़ से कम में बनती हैं उन्हें सेलिब्रेट करना और खुशी की बात यह है कि ऑडियंस भी इन्हीं फिल्मों को सेलिब्रेट कर रही है आई एम वेरी कंफर्टेबल मैं अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो शुरू करने वाली हूँ 1st of April से इनफैक्ट हिमाचल के लिए निकल जाऊँगी मैं इस वक्त हमारे वर्कशॉप्स और रीडिंग्स चल रहे हैं ये जो शो है एक ट्रू लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है और जो किरदार मैं निभा रही हूँ वो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही खूबसूरत है और मैं इस शो को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ ड्रामा हाय कैसे हैं आप मेरी ब्यूटीफुल आउटफिट नीता लूला की है और एक ड्रेप साड़ी है और अलग तरह की है विद कट्स एंड आई रियली लाइक वेयरिंग हर स्टफ मुझे लगता है आज की शाम में बहुत सारा टैलेंट एक साथ है और ऐसी शाम में नॉमिनेट होना अपने आप में एक बड़ी अच्छी मज़ेदार बात है अच्छा लग रहा है कि मेरी फिल्म ब्लैकमेल के लिए मुझे हर अवार्ड में नॉमिनेट किया जा रहा है और रील अवार्ड्स नए हैं और कुछ अलग तरह के अवार्ड्स हैं तो मेरे साथ जितने भी एक्ट्रेसेस हैं बहुत कमाल की हैं सो आई एम जस्ट वेटिंग आप मुझे इस साल 6-7 फिल्मों में देखेंगे जो एक के बाद एक रिलीज़ होंगी सो दिस शुड बी अ गुड ईयर अच्छा साल है और अच्छा काम करने की कोशिश है और ये 7-8 बड़ी अच्छी अलग सी तरह की फिल्में हैं और आज की शाम आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय द प्रीवियस वर्क दैट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड टुडे यस
बहुत बढ़िया जितना वक्त मेरे पास होता है हाँ कि अगर 5 मिनट है तो उसमें ही तैयार होके भागता हूँ। सुनना इधर है बोलना उधर है ठीक है हाँ हाँ कुछ नहीं, मैं खुश हूँ, नॉमिनेशन है, आई एम हैप्पी अबाउट इट। और जिन लोगों का भी नॉमिनेशन है मैं अपनी शुभकामना उनको देता हूँ, बाकी जो होगा अच्छा होगा। हाँ हाँ 2019 में काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एक फिल्म है, उसके बाद आधार आएगी जो आधार कार्ड से जुड़ी हुई है, एक शो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का, काफ़ी अच्छा शो है, उसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वो भी इस साल आएगा। उसके बाद मुझे लगता है सांड की आँख, तो 3 फिल्में हैं और एक शो है। हाँ आप पता नहीं अभी सब कुछ बताऊँगा तो ठीक नहीं है, फिल्म जब आएगी तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। फिल्म में झोल नहीं है, अभी ये सारी चीज़ें बोलना बहुत जल्दीबाजी होगी, जब फिल्म रिलीज़ होगी तो खूब सारी बात करेंगे। हाँ हाँ जब फिल्म रिलीज़ होगी, आधार जब रिलीज़ होगी उसके बारे में खूब बातें की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। What am I expecting tonight? I'm not the one who is expecting. The nominees are the ones who would be expecting. But I expect a great night. Always like an award function is always very exciting because, you know, it's a game of suspense. There are a lot of people who are nominated and one of them is going to be a winner. So it's always very exciting to be part of any award. And I don't think any award is big or small because every award is important. And I think it's just a reassurance for the actor that he has done good work and that the audiences have liked him. My first red carpet walk would be definitely hands down my first film Utsav, which Shashi Kapoor ji had produced. It was a massive film, and I remember that the first day of the shooting, when I'd gone out and there was like a battery of photographers out and journos and stuff like that. They were not known as paparazzis then, and I found out they were like the Time magazine and Harper's and Queen and Bazaar. There's a whole international press. It was almost like a red carpet, but the first premiere of my film was obviously the most memorable and the most beautiful, and this was at the Metro Theatre in Bombay, and Rekha ji was the heroine, late Shri Raj Kapoor ji was there, Shashi Kapoor, Girish Karnad, and the whole lot of them, Shankar Nag, and so I had to walk the red carpet, and I was walking as the lead actor, as the hero of the film, so I was like really nervous. But I do remember that, it was probably, I remember it as one of the best moments of my life.
you know, like Utsav being a special film of my life, that red carpet I still remember, yes. देखिए इस पे पिछले पाँच साल से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पिछले पाँच साल सालों में जाने कितने जर्नलिस्ट और कितने लोग वहशियों की तरह लड़ते हैं टेलीविज़न पर रोज़ जिनकी बातें कभी न सुनाई देती हैं न समझ में आती हैं पर लड़ते रोज़ हैं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो एंकर है जो भी होता है मैं उनका नाम नहीं लूँगा वो सबसे होशियार होता है वो जैसे अवध के नवाब मुर्गे लड़ाया करते थे उसमें से एक आध घायल हो जाते दो तीन मर जाते थे और नवाब जो है बैठ के तमाशा देखता है तो नवाब का नाम भी होता था उसका राज्य साम्राज्य भी फैलता था उसी तरह एंकर जो बेवकूफ़ बनाता है लोगों को बुलाता है लड़ाता है और लोग कुत्तों की तरह लड़ते हैं और कोई किसी की बात नहीं सुनता है कोई किसी की बात नहीं समझता है और उस चैनल का TRP बढ़ता है अब उसमें यही नहीं पता चलता है कि वो पक्ष के लिए बात कर रहे हैं या विपक्ष के लिए बात कर रहे हैं पर एज अ सिटीज़न मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है बढ़िया काम किया है और उनका एक फोकस है पर कोई ज़रूरी नहीं कि एक इंसान जब अच्छा काम करे कि तो उसके इर्द गिर्द के सारे लोग भी अच्छा काम करें हो सकता है कुछ गलतियां उनसे हुई होंगी और हर किसी सरकार से गलती होती है चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो विपक्ष का काम है विरोध करना और सही आधार पर विरोध करना वो कर रहे हैं कुछ गलतियां उनसे हुई थी कुछ गलतियां इनसे हुई हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अंततोगत्वा ये होता है कि जो एक नागरिक है या जो वोट डालता है जो एक साधारण आम इंसान है आपके और हमारे जैसा वो ये देखता है कि एक टोटल एनालिसिस जब करते हैं तो इसमें प्लस ज़्यादा है या माइनस ज़्यादा है तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से उसको ही मद्देनज़र रखते हुए लोग वोट देंगे देखिए जो हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है अगर आप जो भी करें चाहे वो बालाकोट हो चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो चाहे वो GST हो चाहे वो राफेल हो चाहे वो CBI जो हो वो एक विवाद के दायरे में आ जाता है क्योंकि उसके दो पक्ष होते हैं एक वो पक्ष जो रूलिंग पार्टी है वो दिखाना चाहती है और एक वो जो ऑपोजिशन दिखाना चाहती है तो आम आदमी दोनों पक्ष देखता है अब उसको निर्णय करना है कि कौन सही है कौन गलत है तो ये जो इलेक्शन है मैं समझता हूँ कि इट्स द मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस इस इलेक्शन में घमासान युद्ध मतलब महाभारत में ऐसा युद्ध नहीं हुआ था रामायण में ऐसा युद्ध नहीं हुआ था जो युद्ध यहाँ होने वाला है चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो मैं कह रहा हूँ कि मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन अब हमें सोच समझ के वोट डालना है कि हमारे लिए हमारे हित में कौन है हमारे हित के लिए कौन काम कर रहा है उसी के लिए वोट करना हेलो काफ़ी सारे नॉमिनेशन है हमारे और मतलब थोड़ा कुछ तो दो चार तो शायद मिलेगा पता नहीं लेकिन मैं तो सिर्फ आई एम हैप्पी दैट वी आर नॉमिनेटेड बस और कोई ऐसा दूसरे एक्स्ट्रा लालच नहीं है Well, content is always the king. It's just that this time content also got big box office numbers, you know. So that's good. That's bad. Now, how do you feel? You're a man of content. So number is what another gave you. Like, pressure No, the pressure is only that do you can you make get as much love and make as good a film. You know that pressure will always be there. But then every time you have to make sure you're starting again. You have to start like a humble student. You know, so. मेरी अभी स्क्रिप्टिंग चल रही है दो प्रोजेक्ट थी एक थोड़ी एक बड़ी वॉर फिल्म है और दूसरी एक छोटी फिल्म है जो मेरे टाइप की फिल्म है जो दूसरी है वो मतलब एक अलग मैं पहली बार कर रहा हूँ इस टाइप का इट्स अ वॉर फिल्म ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ अभी उसके बारे में सर,
फिलहाल तो नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ किसी चीज़ में मैं गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को एक्चुअली जब तक फिल्म चल रहा है और मतलब फिल्म मेरे को फिल्म इज़ माई मेन प्रायोरिटी। वेब सीरीज़ में कभी कभी देखता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना पेशेंस नहीं कि मैं मतलब चार सीज़न देखूँ एक चीज़ का, है ना, बनाने की। तो अभी फ़िलहाल तो दूर की बात है। थैंक यू। ये गंगन पिक्चर देखा कि नहीं सर का? ऊंचा बोलना पड़ेगा। आपको भी बधाई हो। हाँ, खाना क्यों नहीं खिला रहे हो इनको? इतनी मेहनत करा रहे हो पूरा दिन से। ओके। मेरे लिए बहुत ही ये रोमांचक अनुभव रहा बधाई हो का, बधाई हो की शूटिंग के दौरान, और बधाई हो की जो कुछ जो सक्सेस मिली है और बधाई हो को जो ऑडियंस ने पसंद किया है, वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मार्च 2018 में मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह का रेड कारपेट होगा, ऐसे अलग अलग खूबसूरत स्टार्स होंगे और उनके बीच में मुझे खड़े होने की जगह मिलेगी। तो मैं ऑडियंस का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस फिल्म को सराहा, बधाइयों को सराहा, अंधाधुन को सराहा, स्त्री को सराहा, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को उन्होंने पसंद किया। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये वैसा वाला है कि बिफोर बधाई हो एंड आफ्टर बधाई हो, ADBC होता है ना, वैसे वाला है ये। मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, तो अभी तक कुछ चूज नहीं किया, एक दो प्रोजेक्ट हैं, तो होपफुली अगले एक दो महीने में कुछ लॉक करूँगा। थैंक यू। मैं अवार्ड जीती थी, तो मेरी पुरानी मेमोरी सारी रिवाइज हो रही हैं,
I have a lot of respect for these awards because these awards are different. Or yeah, this, I will be happy. जीते हुए देखना चाहती हूँ लोगों को. जी. इस साल से क्या उम्मीद है कि बस मैं 5 फिल्में साइन कर डालूँ ये उम्मीद है. एक साथ. Definitely not something like Secret Superstar. Something different. Probably negative, positive. You know, different characters. Thank you. यार क्या बताऊँ मैं मतलब बड़ी uncomfortable हूँ मैं पहन के. But everybody is saying it's looking good. So yeah, thank you so much. Just something special for the special awards. Thank you. Yes. Picture लेना है. Picture लेना. बताओ close करना है. Hi. आज की शाम में my work has been nominated for the costumes for Love Sonia, and this is a new thing. I have not been for a function like this before. It's a little different. Love Sonia के बाद अभी upcoming projects जो हमारे हैं they are in the pipeline. I'm doing another film with Tabrez Noorani and David Womack, and they've not yet decided the name of the film. Sorry, what am I expecting tonight? I'm expecting that I hope that all the very, very talented actors who I'm very much in awe of get the prizes that they deserve, get the awards that they deserve. Nominate kiya gaya mujhe Manto ke liye? Milta hai ki nahi, nahi pata. Ji? Thank you, sir. Thank you. कॉटन साड़ी है और रेड कार्पेट में आजकल सस्टेनेबल फैशन का दौर चल रहा है तो हमें कॉटन चीज़ें पहननी चाहिए जो ऑर्गेनिकली बनी गई हैं तो वो है. जी वो एक्चुअली ऑलरेडी आ गया है, फ्राइडे को आया नेटफ्लिक्स पर और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम सबको. बहुत ही सेंसिटिव तरीके से डायरेक्टर ने बताई है ये कहानी
और लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत दे वेरी मूव्ड बाय व्हाट दे आर सीइंग सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट एक्चुअली 2019 में दिल्ली क्राइम तो अभी आई ही है इसके पहले मेरी एक फिल्म आई थी हामिद जो कश्मीर पे कश्मीर में शूट हुई थी कश्मीर इशूज़ पे बेस्ड है और अभी एक और फिल्म आ रही है थोड़ा नया है मेरे लिए थोड़ा कमर्शियल फिल्म है थोड़ा कॉमिक स्पेस में है दोनों मेरे लिए नई चीज़ें हैं और फिर मिर्ज़ापुर सीज़न 2 और दिल्ली क्राइम सीज़न 2 आज मुझे मंटो के लिए नॉमिनेट किया गया है फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कभी मिला नहीं तो मैं बता नहीं सकती लेकिन इट इज़ एन ऑनर इट्स वेरी आई एम वेरी हैप्पी व्हेन माय वर्क इज एक्नॉलेज एंड इतने सारे दिग्गजों के साथ मुझे नॉमिनेट किया गया है तो दैट इज़ ऑलरेडी एन ऑनर फॉर मी अब अवार्ड मिले या ना मिले उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता थैंक यू Thank you.